हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो आने वाले दिनों में बहुत अच्छा प्रॉफिट तो देगा, उसका बात अलग है, लेकिन वो आपको सिक्योरिटी और सेफ्टी भी देगा। देखिए, जितने भी इन्वेस्टर हैं वो यही चाहते हैं कि मुझे कोई ऐसा स्टॉक मिले जिसमें मेरा पैसा भी सेफ रहे, मतलब कि जो मेरा कैपिटल है, अगर मैं मार्केट में 1 लाख रुपया लगाता हूँ तो मेरा जो 1 लाख रुपीज़ का कैपिटल है उसको सेफ रखना चाहिए, और सेफ रखने के बाद अगर उसमें से कुछ मुझे प्रॉफिट मिल जाता है तो वो बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे स्टॉक आज मैं आप लोगों के सामने जो है डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके इनक्रेज कीजिएगा। तो आप देख रहे हो परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, और इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा शेयर का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट तो बुक कर सकते हो, अगर लॉस है तो एग्जिट भी कर सकते हो। तो वो कौन सा शेयर है दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने ला चुका हूँ। वो स्टॉक का नाम है SBI, मतलब कि दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये दोस्तों आने वाले दिनों में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, बहुत अच्छा का मतलब आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो दोस्तों, इतना अच्छा प्रॉफिट ये आपको निकाल के दे सकता है। अगर आप लोगों ने पहले से खरीदारी की है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं खरीदारी की है तो आप इसको अभी के मतलब खरीदारी कर सकते हो अभी भी। तो ठीक है, एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, अभी बहुत लोग ऐसे हैं जो बोलेंगे कि इसका तो प्राइस डिक्रीज हुआ है, मैं इसको नहीं खरीदूंगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसमें पॉजिटिविटी है, इसमें नेगेटिविटी है, मतलब इसका प्राइस इंक्रीज हो चुका है, इसका प्राइस डिक्रीज हो चुका है। दोस्त अभी देखो, जिस शेयर का प्राइस मतलब जिस स्टॉक का प्राइस डिक्रीज होता है ना, हमें उसी स्टॉक को खरीदना चाहिए। जिस स्टॉक का प्राइस डिक्रीज होता है हमको उससे खरीदना चाहिए, और जिस स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होता है तो हमें डरना चाहिए कि कहीं ये गिर ना जाए। तो ये है दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका प्राइस आपको बहुत ही चीप वैल्यूएशन पे मिल रहा है, तो इसे हमें जो है अपनी नज़र रखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देखते हैं तो इसने एक हाईएस्ट बनाया था 350 के आसपास, 350 के आसपास बनाया था, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों 298, मतलब कि दोस्तों बिलो 300 चल रहा है। और आप लोगों को याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो फिर मैं आपको बता देता हूँ कि जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्राइस 250 रुपीज़ था, 250 रुपीज़ मतलब कि दोस्तों इसका प्राइस जस्ट इंक्रीज ही होने वाला था, तभी मैंने आप लोगों को वीडियो बना के बताया था कि आपको इस प्राइस पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को खरीदारी करना चाहिए, जिससे आने वाले दिनों में आपको बहुत अच्छा ग्रो हो सकता है और बहुत अच्छा प्रॉफिट भी आपको हो सकता है। तो दोस्तों 250 से ये चला गया था 350 तक, आपको 100 पॉइंट मतलब कि दोस्तों अराउंड 20 या 25 पॉइंट तो आपको आराम से मिल ही गया था। और ये जो है मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि अगर इंडिया में आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा ब्रांच एटीएम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही है। हाँ, एक चीज़ मैं एक्सेप्ट करूँगा, चाहे जो भी हो, ये स्टॉक जो है बहुत थोड़ा थोड़ा और धीरे धीरे प्रॉफिट देता है, मतलब कि दोस्तों स्लो चलता है, स्लो। तो अगर आप पेशेंस नहीं रख सकते तो वो अलग बात है, क्योंकि दोस्तों आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, आप इसको जो है 2 महीना 4 महीना 6 महीना अगर होल्ड नहीं कर पाओगे तो वो अलग बात है, तो आप इसको मत खरीदो, ऐसा है ठीक है। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप ऐसे स्टॉक को खरीद सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों स्टॉक में एक ही नेगेटिविटी है, मतलब कि दोस्तों उसको हमें नोटिस करना चाहिए, वो क्या है, डिविडेंड रिटर्न। ठीक है, डिविडेंड रिटर्न नहीं देता है दोस्तों, कंपनी अट्रैक्टिव नहीं देता है ठीक है, और उसके बाद कंपनी जो है यहाँ पर सही मात्रा में पाई जा रही है। अगर हम यहां पर देखते हैं दोस्तों पीई रेशियो तो 117 यहां पर देख सकते हो, जो भी है तो स्टेट बैंक के हिसाब से सही है। क्योंकि अगर आप नंबर ऑफ ब्रांच या नंबर ऑफ एटीएम देखोगे तो सबसे ज्यादा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 20,000 के आसपास पड़ जाएगा। अगर मैं एक ये बोलूं परसेंट में निकालूं तो दोस्तों 100% अगर ब्रांच इसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो HDFC, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक का जो है कितना पड़ जाता है दोस्तों, ये 50% में आ जाएगा, मतलब कि दोस्तों 100% में से इनके पास कितना है, 60 है, 60% है इनके पास जो ब्रांच है, चाहे ATM है। तो सोचिए सबसे प्रॉफिट हो सकता है आने वाले दिनों में ऐसे कंपनी पे। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों PE रेशियो जो है वो अट्रैक्टिव जो भी है दोस्तों 117 के आसपास है, और यहाँ पर देख सकते हो PB रेशियो जो है दोस्तों बुक वैल्यू है, यहाँ पर देख सकते हो 1.15 है जो भी है, लेकिन दोस्तों डिविडेंड नहीं है, ये एक जो है यहाँ पर नेगेटिविटी देखा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो ब्रोकरेज ने भी यहाँ पर आपको खुल के बोला है कि आपको इस कंपनी में खरीदारी कर लेना चाहिए। और देख लेते हैं कंपनी में कितना, बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर देख लीजिए 22% का लॉस दिया है बैंक ऑफ बड़ौदा जो है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं दिया है दोस्तों, ये 1 ईयर का रिटर्न है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो पंजाब नेशनल बैंक ने ही माइनस नेगेटिव रिटर्न दिया है 21% दोस्तों, ये फिक्स डिपॉजिट पर ही देते
देते हैं 7%, और यहाँ पर देखिए शेयर में ही इन्होंने दे दिया 20% नेगेटिव रिटर्न। तो क्या फ़ायदा, आईडीबीआई बैंक ने तो -30% रिटर्न दिया है दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया में भी देख लीजिए -30% दिया है, और उसके बाद कैनरा बैंक में देख लीजिए तो 20% है। जितना भी देख लो दोस्तों आपके पास, जितना भी देख लो, लेकिन अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अगर रिटर्न देखते हैं हम, तो ये रिटर्न कितना दिया है वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो इसका रिटर्न है दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों, 1 ईयर में 6% दिया है, तो पॉजिटिव रिटर्न तो दिया है ये आपको दोस्तों। नेगेटिव रिटर्न मतलब कि ये आपको गड्ढे में नहीं ढकेला, ठीक है दोस्तों, ये आपको गड्ढे में नहीं डाला, मतलब ये आपको अभी भी बाहर रखा है। मतलब अगर आप पैसा जो है इतना बैंक में डालते हो तो उतना रखता, सोचिए ये आपके पैसे को सेफ रखता है, सिक्योर रखता है, सेफ्टी देता है, उसके बाद ये आपको अच्छा रिटर्न भी देता है। अगर होल्डिंग की बात कर लेते हैं दोस्तों, शेयर होल्डिंग तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों कंपनी के पास कितना हिस्सेदारी है, तो 57% इसके पास खुद का है। मोर देन 50% तो रहना ही चाहिए, अगर हिस्सेदारी किसी भी कंपनी में रहना चाहिए तो मोर देन 50%, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं 60% के अराउंड है, और उसके बाद पब्लिक को कितना दिया गया, तो ओनली 6% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो है दोस्तों सारा जो माल है इन्होंने रख लिया है। हमको क्या मिला, पब्लिक को क्या मिला, तो पब्लिक को दोस्तों ओनली 6% मिला है। इससे आप खुद जो है एस्टिमेट कर सकते हो कि क्या होने वाला है आने वाले दिनों में। और दोस्तों मार्केट अभी गिर रहा है, तो बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक जो हैं आपको चीप वैल्यूएशन पर मिल जाएंगे। आप देख सकते हो दोस्तों, जब मैंने आपको बताया कि मैंने आपको 250 के अराउंड मैंने बोला था आपको कि एसबीआई बैंक को खरीदारी करने के लिए, तो ये देख लिए, यही वीडियो था दोस्तों जिसमें मैंने आपको बताया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आरबीएल बैंक अब उगलेगा सोना करके। दोस्तों सोना तो छोड़िए, इसने हीरा उगल दिया, सोना की तो बात अलग बात होती है दोस्तों, इसने जो है 2-3 महीने में ही अच्छा से अच्छा रिटर्न दिया। तो सबसे पहले मैं आपको डेट दिखा देता हूँ, ताकि प्रीवियस डेट और आज का करंट डेट, प्रीवियस शेयर का प्राइस और आज का शेयर का प्राइस क्या चल रहा है, उससे आप जो है देख सकते हो, अपने ग्राफ पे देख सकते हो या इंटरनेट में देख सकते हो, डीमेट अकाउंट में जहां पर भी आपको देखना देख सकते हो, ठीक है। तो प्रूफ दिखाना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहली बात, थंबनेल आपके सामने है, थंबनेल के बाद यहां पर देख सकते हो दोस्तों 12 अक्टूबर को मैंने ये वीडियो अपलोड किया था, 2019 में 12 अक्टूबर को, ठीक है। और ऊपर से यहां पर देख लीजिए दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहां देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आरबीएल बैंक अब उगलेगा सोना करके, ठीक है। मैंने बोला था अब उगलेगा सोना का मतलब समझ ही सकते हो, प्राइस इंक्रीज ही होने वाला था, लेकिन फिर भी आपके तसल्ली के लिए मैं आपको वीडियो प्ले करके भी दिखा देना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप आंख से देखोगे तो वो तो सच्ची होता है। यहां पर देख लो, आपके सामने मैंने एसबीआई बैंक का देखिए चार्ट लगा दिया है, एसबीआई एन यहाँ पर देखिए जो हाईएस्ट बनाया था 1 ईयर का रेंज में, यहाँ पर देखिए 1 ईयर का चार्ट आपके सामने दिखा रहा हूँ, देखिए 1 ईयर का रेंज में जो ये हाईएस्ट बनाया था, देखिए 370 को क्रॉस कर चुका था, 380 के पास जाने वाला था, लेकिन अभी हमें स्टॉक कितने में मिल रहा है, यहाँ पर देखिए कितने मिल रहा है, 254 रुपीज में मिल रहा है। एक मिनट दोस्तों, कितने में मिल रहा है, 254 रुपीज में, मतलब कि दोस्तों 250 के रेंज में ही मैंने आपको बताया क्या कि ऐसे स्टॉक को खरीदारी करना चाहिए, 250 याद रखिएगा। और हाईएस्ट कहाँ तक गया था दोस्तों, 350 तक गया था, 350 तक। अभी का ग्राफ देखिए, यहां पर अभी कोई ग्राफ उराफ नहीं है, कोई ग्राफ नहीं है यहां पर आपको दिखा रहा, यहां पर देखिए अभी डाउन गया, डाउन से अप जाएगा, तो वो मैं अभी ग्राफ नेक्स्ट में दिखाऊंगा। तो देखिए ये टाइम है, दिस टाइम टू, देखिए ये टाइम में आपको जो है खरीदारी करके चलनी है, इतना स्ट्रांग बैंक है, और देखिए आपको इंटेंसिव वैल्यू, तो आपने साफ साफ सुना दोस्तों मैंने क्या बोला कि ये टाइम में आपको खरीदारी करके चलनी है, क्योंकि दोस्तों यहां पर आपको स्ट्रांग बाइंग मिल रहा, मतलब स्ट्रांग पोजिशन है यहाँ पर बाइंग करने के लिए। यहाँ पर फिर से मैं आपके लिए वीडियो प्ले कर देता हूँ, मिल रहा है 254 रुपीज में मिल रहा है। तो देखिए ये टाइम है, दिस टाइम टू, देखिए ये टाइम में आपको जो है खरीदारी करके चलनी है, इतना स्ट्रांग बैंक है, और देखिए आपको इंटेंसिव वैल्यू से नीचे मिल रहा है ये। तो देखिए यहाँ पर जब मैंने वीडियो बनाया था, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो डेट भी मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ पर आपको फिर से मैं डेट दिखा दे देना चाहता हूँ, ठीक है। डेट यहाँ पर देख सकते हैं, डेट देखने के बाद फिर से यहाँ पर देख लीजिए, जब मैंने ये वीडियो बनाया था तो इसका जो मार्केट प्राइस चला था 254, और देखिए ये सिंगल ग्राफ आया, ठीक है, ये सिंगल ग्राफ नीचे आया है, और ये देखो फर्स्ट ऊपर गया नीचे आया, अभी मैं आपको वहाँ ग्राफ दिखाता हूँ। तो जब मैंने वीडियो बनाया था तो ये सिंगल ग्राफ था, ठीक है दोस्तों, ये सिंगल ग्राफ था, और यहाँ पर दोस्तों 254 के आसपास जो है स्टॉक जो है टर्न लेने ही वाला था, लिया भी नहीं था, लेने ही वाला था। उसके बाद देख लीजिए दोस्तों ये जो ग्रीन कैंडल आया है, जब मैंने प्राइस इंक्रीज होने के लिए आपको बोला था खरीदने के लिए तब, और उसके बाद देखिए इसमें जो अच्छा खासा मूवमेंट आया दोस्तों, ये 350 तक गया था, 350 के बाद देखिए ये गिर चुका है, तो ये भी अच्छा पोजिशन है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बोलूंगा कि 2-4 दिन के लिए खरीदारी मत करो, 1-2 दिन के लिए खरीदारी मत करो, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है दोस्तों, तो आपको 2-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने आपको रुकना ही पड़ेगा, तब जाके आपके हाथ में 100-200 पॉइंट तक जो है आपको अच्छा से अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि यहां पर देखिए 250 के प्राइस में मैंने बोला खरीदने के लिए, 350 तक चला गया दोस्तों, तो कितना पॉइंट मिला हमें, 100 पॉइंट मिल गया। अगर आपने 1000 भी क्वांटिटी खरीदा होगा तो आपके हाथ में 1 लाख रुपया आ चुका होगा, यहां पर देख सकते हो आपके सामने
तो मैं दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हीरा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो बहुत चीप वैल्यूएशन पे आप मिल रहा है, धीरे धीरे प्राइस डिक्रीज हो रहा है, तो आप SIP के मोड में खरीद सकते हो उसको धीरे धीरे। अभी फरवरी का मंथ में मार्केट गिरेगा और उसके बाद आने वाले दिनों में आपको अच्छा से अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो टाइम लगेगा लेकिन प्रॉफिट जरूर मिलेगा, आप देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं दोस्तों, अगर चाहते हैं कि आपको एक दिन पहले पता चले और आपको भी 100 या 200 पॉइंट प्रॉफिट बुक करने का मौका मिले, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो और आप हमारे पेड सर्विस ले सकते हो। तो उसके लिए एक कंडीशन है, बहुत लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं मुझे डेमो चाहिए, ट्रायल चाहिए, सैंपल चाहिए, जो भी चाहिए आप हमारे जाके यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे देख सकते हो। उसके बाद अगर आप सेटिस्फाई हो तो ये जो नंबर, ये व्हाट्सअप का परमानेंट नंबर, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, और ये जो नंबर, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आने वाला वीडियो, नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस नहीं हो पाएगा।